चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा और आगरा में कोरोना वायरस से जुड़े कुछ केसेस सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 13 मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में 6, केरल में 3, जयपुर में 2, दिल्ली और तेलंगाना में एक एक मामला सामने आया है, जिसके बाद राज्य से केंद्र सरकार तक हर कोई अलर्ट पर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस को लेकर बड़ी बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। कई मंत्रालय और राज्य इस मामले पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है और चिकित्सा सुविधाएं भी दी जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम सभी को उठाने होंगे जिससे सावधानी बरती जाए। इसके अलावा पीएम ने एक फोटो भी अटैच किया। पीएम मोदी ने सुझाव दिए, अपने हाथों को बार बार धोएं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, अपने आंख नाक मुंह को छूने से बचें, खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को अपने हाथों या टिश्यू से ढकें। आपको बुखार खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। आपको बता दें कि दिल्ली और तेलंगाना के बाद यूपी के नोएडा में भी कोरोना वायरस का पता चला है। इसके बारे में नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO डॉक्टर अनुराग भार्गव और ACMO डॉक्टर सुनील दोहरे ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि दिल्ली के उस शख्स ने शुक्रवार को दिल्ली के हयात होटल में अपने बेटे की बर्थडे पार्टी की थी। 28 फरवरी को ये पार्टी की गई थी। नोएडा के 2 परिवार इस पार्टी में शरीक हुए थे। सीएमओ ने कहा कि इस पूरे वाक्य की सूचना उन्होंने यूपी सरकार को दे दी है। नोएडा में कोरोना वायरस की दस्तक के बारे में सरकारी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है। इसमें बताया गया है कि 28 फरवरी को जिस शख्स ने दिल्ली के एक होटल में दावत दी थी उसे COVID-19 से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। इस पुष्टि के बाद होटल की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि गेस्ट और सहयोगियों का ख्याल रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए शीर्ष प्राथमिकता है। कोरोना वायरस की सूचना मिलते ही और सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जाने के बाद हमने एहतियातन के कई कदम उठाए हैं। होटल के रेस्तरां, पब्लिक एरिया, लॉकर्स और मीटिंग स्पेस में गहनता से साफ सफाई का काम चलाया जा रहा है। हयात होटल के बयान में कहा गया है कि 28 फरवरी को रेस्तरां में जो भी कर्मचारी थे उन्हें 14 दिन के लिए खुद की निगरानी में रहने का सुझाव दिया गया है। सभी कर्मचारियों और होटल में आने जाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के तापमान भी लगातार मापे जा रहे हैं। फिलहाल होटल के किसी कर्मचारी में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। आगे के हालात पर पैनी निगाह रखी जा रही है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है ताकि होटल के गेस्ट और कर्मचारी स्वस्थ माहौल में रह सके। होटल प्रशासन की तरफ से सरकार का हर संभव सहयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के बाद अब आगरा में कोरोना वायरस के 6 संदिग्ध मिले हैं। ये वही लोग हैं जो इटली से आए शख्स के संपर्क में आए थे। ये शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित है। फिलहाल इन सभी 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और इनके सैंपल को पुणे के मेडिकल लैब में भेज दिया गया है। सरकार ने बताया कि आगरा में 13 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें कोरोना वायरस यानी COVID-19 के लक्षण मिले हैं। इन 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। साथ ही इनके सैंपल्स को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिया गया है। साथ ही इन 13 लोगों के संपर्क में आए लोगों की जाँच भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर विदेश मंत्रालय ने वीजा को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। 3 मार्च के पहले इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को जारी किए गए वीजा और ई वीजा रद्द कर दिए गए हैं। नियम उन विदेशी नागरिकों पर ही लागू होगा जो भी भारत नहीं पहुंचे हैं। हमारी भी आप सबों से अपील है कि कोरोना वायरस को लेकर जरूरी सावधानी जरूर बरतें। इस वीडियो पे अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।